यूपीआई के जरिए अब भारत में सबसे ज्यादा डिजिटल ट्रांजेक्शन किए जाते हैं। कैश पेमेंट का जमाना लगभग खत्म होता जा रहा है। युवा से लेकर बुजुर्ग तक हर कोई पेमेंट के लिए डिजिटल ट्रांजेक्शन का उपयोग करते हैं, यानी यूपीआई के जरिए पैसों की लेन देन करते हैं। पेमेंट के तरीके में काफी बदलाव आ चुका है। पेमेंट करने का तरीका पहले से काफी सरल हो चुका है। अब सामान खरीदने के बाद लोग चुटकियों में पेमेंट कर देते हैं, या फिर किसी को पैसे भेजने के लिए यूपीआई के जरिए सेकंडों में पैसे भेज देते हैं। लेकिन सेकंडों में ये खेल कई बार गलतियां करवा देता है। आप जरा सा भी नंबर चूकते हैं, पेमेंट गलत यूपीआई पे चला जाता है। ऐसे में आपको नुकसान हो जाता है। इसके बाद आपके पास क्या ऑप्शन बचता है, किस तरह से आप रिफंड प्राप्त कर सकते हैं, चलिए वीडियो में विस्तार से जान लेते हैं। गलत यूपीआई कैसे रिफंड होगा? अगर गलती से पैसे कहीं और ट्रांसफर हो गया है तो सबसे पहले उसके हेल्पलाइन सेंटर पर कॉल करें। टोल फ्री नंबर पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 1800-1201-740। पेमेंट के बारे में पूरी डिटेल बतानी होगी। ध्यान रहे, ये प्रोसेस केवल 3 दिन के अंदर करनी होगी। बैंक रिफंड दिलाने में मदद करेगा। अगर बैंक रिफंड के लिए प्रोसेस नहीं कर रहा है तो NPCI के पोर्टल पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, चलिए वो भी वीडियो में बता देते हैं। सबसे पहले NPCI के आधिकारिक पोर्टल पर जाएं। NCPI का आधिकारिक पोर्टल है www.npci.org.in। यहाँ आपको व्हाट वी डू के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। फिर बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, जिसमें आपको UPI का ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। फिर आपको गलत पेमेंट के बारे में सारी जानकारी देनी होगी, जैसे बैंक का नाम, UPI ID, फोन नंबर दर्ज करना होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI की गाइडलाइन के मुताबिक ऑनलाइन पेमेंट के दौरान गलती से किसी दूसरे अकाउंट में चली जाती है तो ये बैंक की जिम्मेदारी है कि वो कस्टमर की शिकायत पर गौर करें और 48 घंटे के भीतर रिफंड करवाएं। ध्यान रखें कि UPI और नेट बैंकिंग से पेमेंट करने के बाद फोन पर आने वाले मैसेज को डिलीट ना करें। दरअसल इस मैसेज में PPBL नंबर होता है। इस नंबर की शिकायत करते समय जरूरत पड़ती है। बता दें कि अगर आपने कंप्लेन कर दी है और आपको 30 दिन के अंदर रिफंड नहीं मिला है तो आप बैंकिंग लोकपाल से इसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। फिलहाल कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए आर भारत ओरिजिनल के साथ।